सिनेमा घरों में फिल्म उचाई को मिल रहा लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स। उचाई को सूरज बरजातिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अनुपम खेर और बोमन ईरानी लीड रोल में। अमिताभ बच्चन और कभी खराब ही नहीं हो सकती, सुपर एकदम। राशि प्रोडक्शन तो इतने सालों से एकदम इतने सालों के बाद वापस आए हैं तो बहुत मजा आ गया पिक्चर। काफी सारे कलाकार देख, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? हमारे तो अमिताभ बच्चन की लगती है, सबकी अच्छी थी लेकिन सबसे अच्छा अमिताभ। क्लाइमेक्स कैसा था? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, दिखाया ऊंचाई ऊंचाई दिखाई, एवरेस्ट पे चढ़ना चाहिए बहुत अच्छी बात है, सबको सबक दिया है भाई ऐसा होना चाहिए। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहोगे ऊंचाई के बारे में, कैसी लगी? सर जो हम लोग डर हमारे मन में है ये एल्डर्स को देख के लगा कि नहीं डर नहीं लेना चाहिए, हमेशा हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कोई ऐसी बातें जो काफी हद तक सीखने जैसी थी? यही कि उन्होंने पहले उम्र की वजह से हम लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पर उनको देख के अभी एटलीस्ट मैं अपने बेटे से ही कह रही थी कि मुझे स्लाइड से बहुत डर लगता है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम मैं जाके वो स्लाइड्स एंजॉय करूंगी। सूरज बरजातिया की डायरेक्शन कैसी लगी आपको? सुपर्ब सुपर्ब, दिल को टच करने वाली पिक्चर थी। काफी बड़े कलाकार थे, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? तीनों की अच्छी थी, हर एक कैरेक्टर ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। पांच में से कितना स्टार्स दोगे अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग के लिए? पांच में से पांच, अगर पांच में से पचास देने हो तो वो भी दे जाएंगे। व्हाट डू वांट टू से अबाउट उचाई, कैसी लगी मूवी आपको? एट माय एज वंडरफुल। काफी कलाकार थे, दोस्तों के ऊपर है, सबसे अच्छी बात क्या लगी मूवी को? सबसे अच्छी बात द कैरेक्टराइजेशन। And what do you want to say about Amitabh Bachchan? Acting कैसी लगी उनकी? All these guys are super, yeah. Always have been. What is the one thing that you have learned from this movie? कोई ऐसी बात जो सीखने जैसी हो मूवी से? Listen, you're talking to an old man. Yes. Ask a young guy. How many stars would you love? Four out of five. समझाई अच्छी अच्छी है। कुछ बातें काफी अच्छी लगी हो मूवी में? उसमें दिखाया कि हर उम्र में आदमी जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए आदमी। वो जो है उसके अंदर में बताया गया कि हर उम्र में हर एज का आदमी जो है पॉजिटिव सोच के भी है जो है आगे बढ़ सकता है किसी भी परिस्थिति में। काफ़ी कलाकार उस मूवी में, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? अमित जी की। और डायरेक्शन कैसा लगा सूरज बरजातिया जी का? डायरेक्शन तो अच्छा था। लास्ट में क्लाइमेक्स सीन बीच में तो ऐसा लगा कि जो है अभी पिक्चर का दिन होने वाला है, लेकिन फिर अमित जी ने फिर एक्शन लिया उसमें। ये क्लाइमेक्स सीन कैसा लगा? क्लाइमेक्स तो अच्छा था। पाँच में से कितने स्टार्स हो? पाँच में से साढ़े चार तो मिले। अमिताभ बच्चन और कभी खराब ही नहीं हो सकती, सुपर एकदम। राशि प्रोडक्शन तो इतने सालों से एकदम इतने सालों के बाद वापस आए हैं तो बहुत मजा आ गया पिक्चर। काफी सारे कलाकार देख, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? हमारे तो अमिताभ बच्चन की लगती है, सबकी अच्छी थी लेकिन सबसे अच्छा अमिताभ। क्लाइमेक्स कैसा था? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, दिखाया ऊंचाई ऊंचाई दिखाई, एवरेस्ट पे चढ़ना चाहिए बहुत अच्छी बात है, सबको सबक दिया है भाई ऐसा होना चाहिए। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहोगे ऊंचाई के बारे में, कैसी लगी? सर जो हम लोग डर हमारे मन में है ये एल्डर्स को देख के लगा कि नहीं डर नहीं लेना चाहिए, हमेशा हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कोई ऐसी बातें जो काफी हद तक सीखने जैसी थी? यही कि उन्होंने पहले उम्र की वजह से हम लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पर उनको देख के अभी एटलीस्ट मैं अपने बेटे से ही कह रही थी कि मुझे स्लाइड से बहुत डर लगता है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम मैं जाके वो स्लाइड्स एंजॉय करूंगी। सूरज बरजातिया की डायरेक्शन कैसी लगी आपको? सुपर्ब सुपर्ब, दिल को टच करने वाली पिक्चर थी। काफी बड़े कलाकार थे, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? तीनों की अच्छी थी, हर एक कैरेक्टर ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। पांच में से कितना स्टार्स दोगे अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग के लिए? पांच में से पांच, अगर पांच में से पचास देने हो तो वो भी दे जाएंगे।